हाँ भाई, किवें सेट है? तो मैं इंट्रो चेंज कर दिया आज से। आज से ये इंट्रो रहेगी। हाँ भाई, किवें सेट है? एंड आउटरो भी चेंज कर दिया। आउटरो मतलब लगा या यूज़ करनी स्टार्ट करिए आज के ब्लॉग से। वो आउटरो में देख लेना कैसी लगी, बता देना मेरे को। तो टुडे इज 31 अक्टूबर, विच इज़ संडे, एंड सुबह के 4:36 हो गए हैं। मैं सोया नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को नींद नहीं आ रही। मैं काम कर रहा था, प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर दिए मैंने जितने भी थे मेरे। मैंने कब छुट्टियाँ एक हफ्ते की, मैं एंजॉय करूँ, मैंने इन प्रोजेक्ट्स की टेंशन लेनी। तो मैंने सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर दिए। एंड कल का व्लॉग आपने देख लिया, कैसे लगा वो? थोड़ा यार एडिटिंग के बाद ना, जब मैंने उसको एक्सपोर्ट किया तो म्यूज़िक आगे पीछे हो गया यार थोड़ा। तो इतना अच्छा लग रहा, प्रीव्यू करना चाहिए था मैं थोड़ा, कल जल्दी जल्दी में डाल दिया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आज से ध्यान रखेंगे। तो ये गोरिल्ला पॉड मैंने मंगवाया था, ये मेरा गोरिल्ला पॉड है, यूज़ कर रहा हूँ। बाद में मत बोलना मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी भाई 5 बजने वाले हैं सुबह के, ठीक है। व्हाट आई वाज थिंकिंग ना, गोरिल्ला पॉड तो आ गया है, टाइम लैप्स लेते हैं सनराइज का। अगर मैंने लिया होगा इस पूरी क्लिप के बाद आपको दिख जाएगा, अगर नहीं लिया होगा तो समझ लेना बहुत आलसी हो रहा हूँ आजकल। तो फोन नहीं ठीक हो दोबारा, कोई हो जाए, हौसला रखो, सह लेंगे थोड़ा, ठीक है। तो अभी तो यही सीन है। आज क्या है, लंच से पहले लाइट्स लगानी है। लाइट्स लगाई नहीं मैंने अभी तक, मतलब हमने ही नहीं लगाई अभी तक। वो क्या है, मेरी क्लासेस होती थी, भाई भी बीच होता था, मम्मा को ऑब्वियसली नहीं बोलूँगा, हम भी कॉलेज जाते थे। अब फ्री हूँ मैं संडे आज, तो आज मैं और भाई मिलके लगा देंगे, तो उसमें भी शूट कर दूंगा मैं। एंड आफ्टर लंच वील गो टू आई गेस इलांटे, मोस्ट प्रॉब्ली इलांटे जाना है आज, थोड़े कपड़े वगैरह खरीदने। पता नहीं मैं आज क्यों इतना हिल रहा हूँ। तो यही सीन है अभी, बाकी भी देखता हूँ। आई गेस कॉफ़ी बनाऊँगा, नहीं तो अगर सो गया सो गया, देखी जाएगी। मोस्ट प्रोबली कॉफ़ी बनाऊंगा। तो आई नो अभी थोड़ा इंटरेक्टिव सा व्लॉग नहीं बन रहा, बिकॉज भाई हैंग ओवर टाइप से मैं लिटिल हैंग ओवर में नहीं, पहले समझ जाओ यार, रात को क्या होता है, तुम रात पूरी रात ना सो, कुछ करने का मन नहीं है, स्टिल मैं व्लॉग बना रहा हूँ, महंगा करना है। सो बेसिकली द थिंग इज, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ मैंने 10 डेज़ का खुद के लिए चैलेंज बनाया कि 10 डेज़ रेगुलरली व्लॉग्स आएंगे। मेरे को एक दोस्त बोलता इंस्टाग्राम पे कि भाई 365 कर ले, मैं तेरा स्पॉन्सर बन जाऊँगा। मैंने कहा भाई अभी 365 नहीं करेंगे, 1K सब्स के बाद करेंगे, ठीक है ना। हाँ तो अभी 10 डेज़ का चल रहा है, तो 2 डेज़ है सेकेंड डे, यहाँ पे लिख दूंगा मैं D2, ठीक है। हाँ जी, चलते हैं, देखते हैं टाइम लैप्स का क्या, और मतलब सनराइज़ का पहले टाइम देखता हूँ मिनट पे, उस हिसाब से टाइम लैप्स देखते हैं लेता हूँ। एंड बहुत मेहनत लगती है भाई, तुम सपोर्ट नहीं करते। पहले नीचे जाके लाइक करो, जल्दी जाओ लाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी प्यारे प्यारे कमेंट करो, ठीक है। बस कर दो कमेंट, अच्छे अच्छे कर दो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो भाई, जस्ट अभी अभी बेल आइकन भी दबा देना, ताकि 10 दिन के व्लॉग्स आएंगे रेगुलरली, तो उसके अपडेट आते रहेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कितने बजे मैं 11 बजे 12 बजे कितने बजे ब्लॉग डाल रहा हूँ। तो बेल आइकन भी दबा देना, बिकॉज 10 डेज में उसके बाद भी ब्लॉग्स आएंगे, तो उसके लिए। एंड छोड़ो कुछ नहीं, तो भी देखता हूँ मैं टाइम वगैरह उसके बाद। अगर इसके बाद अगर आपको टाइम लैप्स दिख गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, समझ लेना मैंने मेहनत करी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करी, मेहनत वैसे भी करता हूँ मैं। नहीं दिखा तो समझ लेना बहुत आलसी हो गया, मैं सो गया था, फिर वॉट एवर द रीज़न इज, मैं बता दूंगा। सो गया तो उठने के बाद हम बात करते हैं, नहीं तो लाइट्स जब लगानी होगी उस टाइम बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ तो मिलते हाँ जी, तो इससे पहले आप लोगों ने टाइम लैप्स देख लिया होगा, मैं टाइम लैप्स ले लिया, बहुत सक्सेसफुल चीज़ है। आई जस्ट रियलाइज बहुत पहले ले लेना चाहिए था, बट चलो इट्स नेवर टू लेट। एंड अभी बालकनी में जैकेट पहन रखी है, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन गौरव की जैकेट है ये। मैं लेके आया था एक बार,
उस टाइम बारिश हो रही थी, मैं आता भीग चुका था। मैं उसके घर उसको पहले छोड़ने गया था, तो मेरे को वापस आना था। रात का टाइम था, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा भाई जैकेट दे दे, मेरे को नहीं पता। तो एक हफ्ते हो गया, एक हफ्ते ज़्यादा हो गया मेरे पास ही पड़ी है, क्योंकि ना मैं उसके पास गया ना वो आया। दे दूँ उसको वापस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाई तू देख रहा है, धोखे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, बाद में बोलियो मत। तो बस कॉज कहना यार, अभी मेरी जैकेट सारी निकली नहीं है, मतलब अभी सिर्फ फुल सीज की टी शर्ट्स वगैरह निकली हैं स्टफ। जैकेट्स अभी नहीं आई, जिपर अपर जिसे कहते हैं वो भी नहीं आया। ट्रैक सूट ले लिया वैसे मैंने नया, बट स्टिल दे दूंगा, डोंट वरी। तो वही टाइम है, देख लिया, बताना मेरे को कैसा लगा। ज़्यादा नहीं बनाया मैंने, बस मेरा बिकॉज पता था कि अगर सन आएगा अभी पूरा नहीं आएगा, इसमें मैंने बीच में ख़त्म कर दिया था। बिकॉज अभी भी लाइक वो टाइम लैप्स ख़त्म हुए 20 मिनट हो गए होंगे, अभी भी देखो वहाँ पे सन नहीं आया अभी तक। अभी पहले अच्छी खासी उसकी सन रे सनलाइट यू कैन से, अब कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने ठीक टाइम पे पॉज कर दिया था। ठंडा है भाई, ठंडा है। तो कितना टेम्परेचर हो रहा है? इट्स 15 डिग्री राइट नाउ, लाइक सीरियसली 15 डिग्रीज। ओके नो इशूज, जो भी है ठंडा आ रही है धीरे धीरे। बर्थडे आ रहा है तुम्हारे पास, वट एवर। तो भाई मेरे को ना, आप लोग ये बताओ, मेरे को एक लैपटॉप लेना है, मेरे को कोई अच्छा सा गेमिंग लैपटॉप अंदर 60-65K मेरे को सजेस्ट करो। कंपनीज के नाम मत सजेस्ट करना, लिंक्स कह रहा मैं, मतलब पूरा मॉडल के नाम मेरे को बताना। कंपनीज तो बहुत सारी मेरे को भी पता है, MS आई है, ASUS हो गई है, HP के हो गए, लेनोवो के गेमिंग सीरीज आई है, आइडिया पैड। सो कंपनीज तो मेरे को भी बहुत सारी पता है, बहुत रिसर्च कर चुका हूँ मैं इस बारे में। एंड 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 वन मोर थिंग यार, मेरे को कोई ना अच्छी सी स्टोरेज के लिए कोई चीज़ बताओ। बिकॉज अभी मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड मेरा है 32 GB का, वो भर चुका है सिर्फ व्लॉग्स की वीडियोस की वजह से, बिकॉज मैं डिलीट नहीं करता व्लॉग्स की वीडियो। यार लैपटॉप में मैं अभी जानबूझ के बैकअप नहीं ले रहा, बिकॉज अभी मेरे को नया लैपटॉप लेना, फिर मैं सोच रहा हूँ एक ही बार उसके अंदर ही लैपटॉप बैकअप ले लूँगा। बट स्टिल मेरे को कुछ चाहिए, मतलब हार्ड डिस्क मैं सोच रहा था, बट वो फ़ोन के साथ कंपैटिबल नहीं है। या तो हो सकता है एक और मेमोरी कार्ड ले लूँ, मेरे पास है मेमोरी कार्ड 2-3 पड़े हैं, बट वो छोटे हैं यार, 4-4 8-8 GB के हैं। ये 32 भी मैंने पिछले साल दिवाली सेल पे मंगवाया था इन्हीं दिनों के आसपास, तो ये हाई स्पीड वाला है, माइक्रो एसडी कार्ड सैंड डिस्क का है, 32 GB सही चल रहा है, बट भर चुका है अब। एंड फ़ोन की स्टोरेज में जानबूझ के भरता नहीं हूँ, ज़्यादा नहीं भरता वैसे, बाकी सारी चीज़ चलती है, बट जैसे वीडियोस वगैरह होगी ये सब मेरी SD कार्ड में जाती हैं डायरेक्टली, डाउनलोड्स, वीडियोस, फोटोज़, एडिटेड फोटोज़ वगैरह, बिकॉज भाई वो रॉ फोटोज़ एडिटेड बहुत सारी हो जाती हैं। एंड मेमोरी कार्ड भर जाए, बिकॉज उसका क्या ना, स्वाप कर सकते हो, अगर लैपटॉप में डालना हो तो मेमोरी कार्ड निकाल के लैपटॉप के अडेप्टर में डालो, एंड यू कैन डू एनी थिंग यू वॉन्ट विद दैट। इसलिए मैं फ़ोन के अंदर नहीं डालता, फ़ोन में क्या है वायर्स वगैरह लाने पड़ते हैं और स्पीड का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी तुम मेरे को सजेस्ट करो, पेन ड्राइव तो चलो ख़त्म ही होंगी अब, कोई और चीज़ कुछ हो मार्केट में अच्छी सी स्टोरेज के लिए मेरे को ज़रूर बताना। कॉफ़ी पी ली थी मैंने एज यू कैन सी। अरे उस टाइम पता है क्या हुआ, मेरे ने टाइम लैप्स पॉज हो गया बीच में, बिकॉज मेमोरी कार्ड फुल हो गया था, तो उन्होंने उसने पहले पॉज कर दी, फिर मैंने बीच में देखा 8-9 मूवीज़ डाउनलोडेड पड़ी हैं, उनको डिलीट किया मैंने, मेरे का लैपटॉप में डाल दी थी तो डिलीट करो। अभी 3 और रहती हैं, वो लैपटॉप में नहीं डाली थी, उनको डाल दूंगा उस लैपटॉप में। अभी ये इसी ना ब्रेकफास्ट करूँगा, तब अभी मम्मा उठ जाएंगे थोड़ी देर में, फिर तो क्या ही शूट करना, बिकॉज वो मेड भी आ जाएंगे उस टाइम काम करना चलेगा, तो लाइट्स लगाऊंगा, लाइट्स में मिलूंगा। कितनी बार बोल चुका हूँ कि जब लाइट्स लगाऊंगा तब मिलूंगा, बस देख लेगा इसके आगे। एंड जिन्होंने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, ID इज कमिंग हेयर हेयर हेयर, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट का भी लिंक है नीचे, दोनों जगह आओ फॉलो करो ऐड करो।
हाँ जी, तो जस्ट अभी भी फ्री हो लाइट लगा के आपने सुबह टाइमर देख लिया होगा, 8:38 एंड लगी मेरा इतनी सुबह, लग रहा है दोपहर हो गया, 11:11 बज चुके हैं। हाँ भाई वही है ना रात को। तो अभी ऑडियो इससे आ रही होगी, आई डोंट नो ऑडियो कैसी आ रही होगी, ठीक है आई होगी वैसे तो मैनेज कर लेना जो भी है। तो टाइमलेस अभी आपने देख लिया, जस्ट अभी फ्री हूँ लाइट्स लगा के एंड अभी मेड आने वाले हैं, वो काम करेंगे, देन वील सी कहाँ जाना है, बिकॉज लंच से पहले का था कि लाइट्स वगैरह लगानी, बट जल्दी फ्री हो गए भाई, और थोड़ा सा भाई साथ लगवाएगा बट मैंने अकेले नहीं लगा दी, बिकॉज इट वॉज नॉट दैट मुश्किल टास्क, बिकॉज पुराने घर में क्या था शेड लगी हुई थी, तो शेड के ऊपर चढ़ के वो हुक्स के अंदर लगाना वो थोड़ा मुश्किल टास्क था, इस दिस इज काइंड ऑफ ईजी, तो मैंने लगा दी लाइक विद इन हाफ एन आवर में पूरी लाइट्स लगा दी हैं। बाकी अब देखता हूँ एक और लगेगी ऊपर, ऊपर इन द सेंस वो फैन है उसके उस साइड आगे फ्रंट पे, हाँ जी वो अभी आज लेके आनी है, वो वहाँ पे लगेगी, उसका कनेक्शन फैन से दे दूँगा, तो कोई इशू नहीं, वो हो जाएगा सब कुछ, बस सब रास्ता देखते हैं कैसी लुक आती है। तो मैं इनका क्या है, जो मेन मैंने क्या किया है, जो मेन बालकनी है जो बाहर से दिखती है उस पर ज़्यादा लंबी लंबी करती है, जो इस साइड अंदर वाली है उस पर छोटी छोटी करती है, उसके बाद भी लाइट थोड़ी सी कम पड़ गई है, लेट मी शो यू। सो यहाँ तक आ गई है लाइट एंड एंड यहाँ पे है, तो थोड़ी सी छोटी पड़ गई है, बट दैट्स ओके, दैट्स मैनेजेबल, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी टेप भी ख़त्म होगी, थोड़ी टेप और लगेगी लाइट्स को होल्ड करने के लिए, तो भी यही सीन है। बाकी अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, प्यार वगैरह ओके, तब मिलता हूँ आपसे, तो ये भी देख लिया, अब प्यार वगैरह होने दो, उसके बाद आई टॉक टू यू। हाँ जी, तो आलू बॉईल करने के लिए रख रहा हूँ, मैं ही रख रहा हूँ, जिन लड़कियों को लगता है ना लड़के काम नहीं करते, भाई करते हैं, ठीक है, जिनको करना होता है करते हैं, सारे काम करता हूँ करके, फ्लेक्स नहीं करा बट करते हैं, थिंकिंग चेंज करो सारे, लड़के करते हैं काम जिनको करने होते हैं। सारे जोमेटो वाले नहीं होते, ठीक है ना, जी बात याद है इंस्टाग्राम का, वो टेक्स्ट नहीं दिया, यस टेक्स्ट नहीं दिया। 9:25 हो गए हैं एंड अभी कॉफ़ी सेकंड ले रहा हूँ, नींद आ रही है अब सही बताऊँ तो आई गेस मैं अब इस टाइम सो जाऊँगा थोड़ी देर, मम्मा भी बोल रहे थे, मम्मा को बताया मैंने मैं कम सोया रात को, वैसे तो सोया नहीं सोया था, एक डेढ़ घंटा सोया होगा बीच में, हाँ तो वहाँ रख गई थी, इसके बाद उठ गया था, तो अभी यही है, अभी लाइटिंग का थोड़ा इशू है, लाइटिंग ऑन करके मैंने रूम की सीलिंग लाइट्स ऑन है बस, तो अभी कॉफ़ी पीता हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत वीडियोस देखते हैं, बिंज वॉच करेंगे यूट्यूब पे ही, तो वो आई है यार हम दो, हमारे दो प्राइम पे है वो, आई गेस वो देखूँगा, अभी मेरे को अच्छी लगी उसका ट्रेलर वगैरह देखा मैंने एंड गोरी। हाँ जी, तो मैं भी सो रहा था एंड आई जस्ट वोक अप, सो मैंने देखा कि मेरा पार्सल आया हुआ है, तो सैनिटाइज वगैरह मैंने कर लिया है, वैसे तो लाइट है आई नो, वैसे मंडे को आनी थी बट चलो प्राइम मेंबर होने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, सो नाउ लेट्स जस्ट ओपन दिस अप, तो इसलिए मैं गोरिल्ला पॉड रखा हुआ है, मैंने कहा देखते हैं लग जाएगी ना, ये पैकेजिंग की हालत तो भाई सब बहुत ख़राब है, आप लोगों को दिखाऊं अंदर से, इट्स नॉट इन अ गुड कंडीशन, एनीथिंग एल्स, सो बेसिकली दिस इज द लाइट, होल्डिंग द लाइट ऐसे इस पर लिखा हुआ है, दिस इज द लाइट, हाँ यस 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 या ओके, सो दिस इज विद मोबाइल होल्डर, हाँ मोबाइल होल्डर के साथ है, एंड दिस इज द नोट, ओके एडजस्टमेंट है, अच्छा इसको टाइट करना है, व्हाट ठीक
लेट मी जस्ट फिनिश द सेटअप फर्स्ट, बाकी उसके बाद बात कर सकते हैं. एंड इट्स डन, लॉक वगैरह लगा के इस पर. ओके सो दिस इज़ विद मोबाइल स्टैंड, ऐसे मैंने आपको बोला ठीक ठाक क्वालिटी का मोबाइल स्टैंड है. बाकी मोबाइल स्टैंड की मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी मेरे को लाइट की थी. ओके दिस इज़ द कंट्रोलर या तो दिस इज़ द डिसेंट, मैं एक बार देख लूँ कि लग जाएगी ना इसमें. ये पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करना है, ऐसे ही करते हैं हमेशा. ठीक तो ये फाइनली लग तो गई है, मेरे को लगा ही था कि लग जाएगी. यूनिवर्सल स्क्रूज होते हैं एंड लग गई है अच्छे से. कभी कैमरे में ज़्यादा दिख नहीं रहा, एक सेकंड में दिखा. यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक. हाँ जी ओके, मैं बस देख लूँ चलती है ना, पता चला बाकी सब कुछ चीज़ें देख चले ना. एक्सटेंशन है वो, इसकी यूएसबी है तो इसको एडाप्टर के अंदर लगाना है बस, कान बच जाएगा नहीं. लेट्स ओपन दिस अप फर्स्ट एंड देन अच्छा अच्छा लग गई. सो एज यू कैन सी इसमें ब्लू लाइट आ गई है. हाँ जी तो ऑन ऑफ, ओके कूल नाइस इट्स ऑन. तीन डिफरेंट मोड्स हैं, वाइट उससे थोड़ा वार्म एंड सबसे ज़्यादा येलोइश पूरा एग्जैक्ट. ओके तो मैं इंटेंसिटी भी इससे इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, मेरे को अच्छी लगी ये सबसे ज़्यादा काम किया. दिवाली के वैसे कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहे होंगे, अच्छा माल आया होगा, बट नथिंग लाइक दैट, वी वर रॉन्ग. बच्चे रो रहे हैं भाई किसी के, पता नहीं मम्मा और भाई कहाँ चले गए मेरे को छोड़ के. आई फिगर दिस आउट. तो अभी 19 सेक्टर चलते हैं एंड 19 सेक्टर में दिखाऊंगा आपको मैं क्या देता हूँ. शूज़ वगैरह मेरे को दिखे पसंद नहीं आए बिल्कुल भी, एक दो पसंद आए वो ओवर एक्सपेंसिव थे. 19 चलते हैं, 19 में सब कुछ होगा. चलो हाँ जी, तो 19 से हो गया काम, भैया ने ले लिया. मेरे को जॉगर ज़्यादा पसंद नहीं आई, खा लो.
तो जॉगर्स पसंद नहीं आई, महंगी भी बहुत थी आँधी कि एक दो और शॉप पे देखते हैं। एंड आज का ब्लॉग भाई मैंने जस्ट रियलाइज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, अगर मैंने एडिटिंग में ठीक ठाक कर दिया तो एक ही आएगा पार्ट, नहीं तो अगर ऐसे भी 19 का अगर शॉप को थोड़ा बहुत अगर दिखाया तो दो पार्ट्स आएंगे, आज ही आ जाएंगे दोनों पार्ट, बट इंटरवल पे आधे पौने घंटे के इंटरवल पे आएंगे, सही बताना था। बाकी अब 19 में है तो देखते हैं, नीचे जाते हैं। अच्छा बाकी मेरा मन तो है सिनेमैटिक्स लेना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना कि बड़ी अच्छी फोटो जाती है, उनको कैप्चर करने में एडिट करने में बहुत फायदा आता है इनको, लेट्स सी शायद से कर दूंगा। एंड अभी नीचे कमेंट करके बताना तक वो ब्लॉग कैसा लग रहा है, चलते हैं। जी तो मैं लिफ्ट में हूँ एंड इट्स 9:34 एंड मैं घर आ गया हूँ वापस, अभी कैफे में था, वापस कैफे में जा रहा हूँ, भैया को कुछ काम है तो एरिया एक्टर के साथ भी एंड इट्स को। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई सी यू द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन टेक केयर बिकॉज कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड नीचे कमेंट कर रहा था ब्लॉग कैसे लगा, आई नो काफ़ी लंबा हो गया, बाकी ठीक है सह लो, मैंने भी मेहनत करी, अब जाके लाइक करो उसको, ओके बाय।